अलवर बहरूड राजमार्ग पर स्थित ग्राम कांकरा बरडोत से शायलो की ढाणी जाने वाले मार्ग के समीप दोपहर को करीब 1 बजे अज्ञात कारणों से पहाड़ी में आग लग गई। इसमें सैकड़ों वन्य जीव और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। तेज हवा के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया। पहाड़ी क्षेत्र पर तेज आग और धुएं को देखते हुए समीप स्थित घर में रहने वाले विक्रम यादव और एडवोकेट जगजीत यादव ने सत्यमेव के मीडियाकर्मी मनीष सोनी को इसकी सूचना दी। आग की सूचना मिलने पर हमारे मीडियाकर्मी मनीष सोनी ने बहरोड थाना और पुलिस के उच्च अधिकारियों को आग लगने की जानकारी दी। सूचना पाकर महेश आप्टे के साथ मौके पर पहुंचे एएसआई सुरेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों से आग के कारणों की जानकारी ली। वहीं बहरोड नगर पालिका की दमकल और सूचना पर पहुंचे युवाओं ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग ग्राम कांकरा बरडोत के पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए बरडोत के लाडखानी मोहल्ला पहाड़ी क्षेत्र में भी पहुंच गई। बाद में आग तेज हवा के कारण रिहायशी इलाकों में जा पहुंची। तेज हवा के कारण आग के बढ़ते रूप को देखते हुए उपखंड प्रशासन को आग बढ़ने की जानकारी दी गई। इस पर नीमराणा दमकल मौके पर पहुंची और युवाओं के साथ मिलकर आग बुझाने के कार्य में लग गई। इसके बाद में दमकल का पानी खत्म हुआ तो ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि छोटेलाल बरडोदिया ने पानी की टैंकर मंगवा कर पानी की व्यवस्था बरकरार रखी। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों के सहयोग से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं देर साय को बहरोड थाना प्रभारी जितन सोलंकी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आग बुझने पर सहयोग करने वाले जोगेंद्र कालूराम रविन्द्र भूप सहित सभी लोगों को शाबाशी दी।